वेलकम टू क्लासेस आई एम भूमिका प्रजापति सो आज का जो हमारा टॉपिक है एमसीक्यू सीरीज में वो है विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर से रिलेटेड ओके okay? सो so, हम लोग विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पर्शियन एम्बेसडर विजिटेड द विजयनगर एम्पायर ठीक है किस फारसी राजदूत ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था राइट right? तो उनका नाम है अब्दुल रजाक क्लियर अब्दुल रजाक जो है वो देवराय सेकंड के टाइम पर भारत आए थे ठीक है तो उन्होंने वो कब आए थे भारत तो किसके रीन में आए थे तो वो देवराय सेकंड के ऋण में भारत आए थे एंड ही वॉज अ पर्शियन एम्बेसडर ठीक है क्या नाम है अब्दुल रजाक इसके अलावा एक और ट्रैवलर थे जिनका नाम है इटालियन ट्रैवलर थे जिनका नाम है निकोलो कॉन्टी ये भी विजयनगर एम्पायर आए थे ये किसके टाइम पर आए थे देवराय वन के टाइम पर ठीक है देवराय प्रथम के टाइम पर भारत आए थे राइट तो उसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर टू द बैटल ऑफ ताली बिटवीन विजयनगर एंड डल्तान्स टुक प्लेस इन विचियर ठीक है विजयनगर और डकिन के सुल्तानों के बीच ताली कोटा की लड़ाई हुई थी ठीक है बैटल ऑफ ताली कोटा जो है बहुत इम्पोर्टेंट बैटल है क्यों इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एक तरफ ठीक है बहुत बड़े एम्पायर बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पायर जो कि विजयनगर एम्पायर था उनको डेकिन सल्तान्स ने क्या कर दिया था डिफ़ीट कर दिया था और बहुत बुरी तरीके तरीके से हराया था बेसिकली हुआ ही होता यहाँ पर डेकिन सल्तान सुल्तान्स जो थे उन्होंने एक पूरा अलायंस बनाया था पांच लोगों ने मिलकर पूरा एक अलायंस बनाया था तब जाकर वो लोग लो इतने बड़े एम्पायर को डिफ़ीट कर पाए थे अगर अकेले ये लोग सोचते हैं ना डिफ़ीट करने का तब ये कभी डिफ़ीट नहीं कर पाते विजयनगर एम्पायर को ठीक है बट इन्होंने एक अलायंस फॉर्म करी थी एंड देन इन्होंने विजयनगर एम्पायर को ये लोग डिफ़ीट कर पाए थे राइट right? सो so, ये बैटल हुआ किस ईयर में था ये पूछा गया है तो ये हुआ था 1565 में राइट तो क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठीक है सो पे देख लीजिए बैटल ऑफ इट वाज फॉट बिटवीन पांच सल्तनत थी डेकन की ठीक है और एक साइड थी विजयनगर किंगडम ठीक है कब हुआ था तो 26 जनवरी 1565 सिक्सटी एडी में हुआ था जिसमें विजयनगर किंगडम सफर्ड अ डिफीट इन द बैटल विच वॉज फोर्ट नियर दिलेजेस ऑफ तंगड़ी, ठीक है इसे बैटल ऑफ तंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है तो ये भी याद रखना कंफ्यूज मत हो जाना ठीक है सो एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ तालिकोटा, रूलर कौन थे विजयनगर एम्पायर में कौन रूल कर रहे थे तो वो थे सदाशिव राय ठीक है सदाशिव राय ना दो ही वॉज ओनली अ पपेट रूलर ठीक है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उनके मिनिस्टर से उनके मिनिस्टर जिनका नाम है रामा राय ये जो भी कहते थे उन्हीं के ऑर्डर्स को सदाशिव राय क्या करते थे फॉलो करते थे राइट तो सदाशिव राय की बात करें ही वॉज जस्ट अ पपेट रूलर ठीक है जो रियल पावर था वॉज एक्सरसाइज बाय हिज मिनिस्टर जिनका नाम है रामा राय क्लियर सो so, इसके बाद ही दे ट्राइड टू क्रश द पावर ऑफ़ डकिन सल्तनत ठीक है इन क्या करा था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मतलब ये लोग क्या कर रहे थे डिफरेंसेस जो है अलग अलग सल्तनत में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये लोग उनकी पावर को क्रश कर सके और अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर सके बट हुआ ये नहीं ठीक है जो डिन सल्तनत थे उन लोगों को इनके प्लान का आइडिया लग गया तो इन लोगों ने पूरी अलायंस बना ली किसके अगेंस्ट विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट एंड इन लोगों को फिर डिफीट करा ठीक है विजयनगर विजयनगर किंगडम जो है उसे हरा दिया राइट सो so, ये चीज़ याद रखना आप लोग ईयर याद रखना 1565 किसके बीच में हुआ था ये याद रखना ओके okay, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये, ये अलायंस ये जो पांच अलायंस बनी थी इसमें कौन कौन था राइट नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री फोग एम्पायर ठीक है इट इज़ रिटन बाय अ रिनोन्ड हिस्टोरियन जिनका नाम है रॉबर्ट सिविल इज अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर ठीक है एक प्रसिद्ध इतिहासकार रॉबर्ट सिविल द्वारा लिखित फोगॉटन एम्पायर निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के बारे में इंफॉर्मेशन देती है राइट तो ये बुक विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है राइट तो याद रखना फोगोटन एम्पायर कौन है इसके राइटर तो रॉबर्ट सिवेल है उन्होंने इसको लिखी और किस एम्पायर से रिलेटेड है तो रिलेटेड है विजयनगर एम्पायर से नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर द किंगडम ऑफ विजयनगर वॉज फाउंडेड बाय ठीक है सिंपल क्वेश्चन है ठीक है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की थी कौन इसके फाउंडर थे तो वो थे हरिहर और बुक्का ठीक है विजयनगर एम्पायर में जो पहली डायनेस्टी थी राइट वो थी संगम डायनेस्टी और इस संगम डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे हरिहर एन बुक्का राइट सो so इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाउ अभी मैंने बता दिया विजयनगर किंगडम की पहली डायनेस्टी वो कौन सी थी संगम डायनेस्टी उसके अलावा उसमें सुलू डायनेस्टी थी तुलू डायनेस्टी थी ठीक है चार ऐसी डायनेस्टी थी विजयनगर किंगडम में जिसमें जो पहली डायनेस्टी थी वो थी विजयनगर किंगडम की पहली डायनेस्टी वो थी संगम डायनेस्टी राइट जिसके फाउंडर थे हरिहरन बुक्कर तो क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राइट अब ये हम देख लेते हैं कि विजयनगर डायनेस्टी में चार मेन जो है किंगडम जो था उसमें चार मेन डायनेस्टीज जो है जिन्होंने रूल कराए तो पहली जो डायनेस्टी थी वो थी संगम डायनेस्टी ठीक है संगम डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे तो वो थे हरिहर एंड बुक्का ठीक है इसके बाद आती है सलूव डायनेस्टी सलू डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे नरसिम्हा ठीक है इसके बाद आती है तुलूफ डायनेस्टी तुलू डायनेस्टी के फाउंडर है वीर नरसिम्हा तो कन्फ्यूज मत होना सिर्फ नरसिम्हा दिखे तो सलूफ डायनेस्टी और वीर नरसिम्हा दिखे तो तुलूफ डायनेसी लास्ट जो है वो है अराविदू डायनेस्टी जिसके फाउंडर है तिरुमल ठीक है तो ये सभी आप लोग याद रखना कि ये चार डायनेस्टीज थी एंड इनके फाउंडर ये ये है ठीक है संगम डायनेस्टी हरिहरन बुक्का सलूव डायनेस्टी सलूव नरसिम्हा ठीक है तुलूव डायनेस्टी वीर नरसिम्हा एंड अराविदू डायनेस्टी तिरुमल क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हेन बाबर इन्वेडेड इंडिया हु वाज़ द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर इन साउथ इंडिया ठीक है जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था ठीक है तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जब बाबर ने बेसिकली इंडिया पे इन्वेट करा था तो विजयनगर एम्पायर में कौन रूल कर रहा था ये पूछा गया है तो वो थे कृष्णदेव राय ठीक है कृष्णदेव राय जो है वो रूल कर रहे थे जब बाबर ने इन्वेट करा था भारत पर ठीक है मतलब साउथ इंडिया में तब कौन रूल करा था कृष्णदेव राय कृष्णदेव राय तुलु डायनेस्टी से रिलेटेड है एंड ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ होल विजयनगर किंगडम जिनने पूरे एम्पायर को बिल्कुल वो पीक पर पहुंचाने वाली जो बात होती है ना वो इनके टाइम पर आया था क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन हु गॉट मोनोमेंटल राया गोपुरम्स इन फ्रंट ऑफ टेम्पल्स एट हम्पी ठीक है तिरुवनमलई चिदम्बरम श्रीरंगम और तिरुपति ठीक है मतलब ये uh, ये जो राय गोपुरम्स होते हैं ना या गोपुरम्स अगर हम बात करें तो ये एंट्रेंस टावर्स होते हैं ठीक है ये एंट्रेंस टावर किसने कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट करवाए थे इन सभी टेंपल्स के आगे ये पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्ण देवराय ठीक है ये दिख रहा है आप लोगों को ये इस तरीके के टावर्स होते हैं ठीक है ये किन ये टेम्पल्स जो है जैसे कि हम्पी में जो टेम्पल है चिदम्बरम टेम्पल है इन सब के आगे इन राय गोपुरम्स को किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था ये पूछा गया है तो वो थे कृष्ण देव राय राइट ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ए अनदर नेम ऑफ विजयनगर सिटी वॉज ठीक है विजयनगर शहर का दूसरा नाम क्या था हम्पी राइट इसका आंसर है ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन लोकल गॉडेस ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज ठीक है विजयनगर की स्थानीय देवी कौन थी राइट right? तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे ना इसमें से पंपा देवी ठीक है पंपा देवी जो है ये लोकल गॉडेस थी विजयनगर एम्पायर की ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन कृष्णदेव राय वो किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे अभी ही मैंने बताया कृष्णदेव राय कौन से वंश से थे तो वो थे तुलूव डायनेस्टी से ठीक है तो क्वेश्चन नंबर टेन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाउ बिकॉज कृष्णदेव राय इंपॉर्टेंट है तो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इनसे बनती है जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं राइट मैं सारे क्वेश्चनस पूरे पीपीटी में सिर्फ कृष्णदेव राय से नहीं ले सकती हूँ ठीक है मुझे विजयनगर एम्पायर को भी कवर करना है बहमनी एम्पायर को भी कवर करना है इसलिए यहाँ पर आपको इन शॉर्ट सारी चीज़ें मिल जाएगी जो कि मैं आपको बता देती हूँ तो बाबर ने उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है जो कि बाबरनामा है इसमें कृष्णदेव राय को ठीक है सबसे पावरफुल रूलर कहा है इंडिया का राइट एक ये फैक्ट है जो कि कृष्णदेव राय का है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइक आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी बुक में कृष्णदेव राय जो है इज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ इंडिया तो वो है बाबरनामा राइट देन ड्यूरिंग द रीन ऑफ कृष्णदेव राय एक पोर्चुगीज ट्रेवलर भारत आए थे जिनका नाम है डोमेगो स्पायस जो कि विजयनगर एम्पायर में आए थे तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डोमिगो पायस जो कि एक पोर्चुगेज ट्रेवलर है वो किसके रीन में विजयनगर एम्पायर आए थे तो वो कृष्ण देवराय के टाइम पर आए थे ठीक है कृष्ण देवराय हैव एट बेस्ट पोएट्स ऑफ तेलुगु लिटरेचर जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था ठीक है आपको इनके नाम याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नाम है बट आप ये याद रखना कि बेस्ट ऑफ पोएट्स ठीक लिटरेचर के तेलुगु लिटरेचर के नॉ तमिल लिटरेचर तेलुगु लिटरेचर के जो बेस्ट ऑफ पोएट्स थे poets, जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था कि किसके कोर्ट में थे तो ये कृष्णा देवराय के कोर्ट में, में थे ठीक हैज बीन कॉल्ड द क्लासिक एरा ऑफ तेलुगु लिटरेचर ये चीज भी याद रखना He is also known as Andhra भोज इन्हें Andhra भोज के नाम से भी जाना जाता है Very important. Clear? he waged war अगेंस्ट बहमनी किंगडम ठीक है title of यवन राज्य प्रतिष्ठा पन आचार्य ठीक है यवन राज्य प्रतिष्ठा पन आचार्य ये टाइटल भी किसे assume करा था कृष्ण देवराय ने assume करा था ठीक है इसके अलावा ही वॉज ऑथर ऑफ मनु चरित्रामू ठीक है एंड वॉज द ग्रेटेस्ट अमंग अष्ट दिग्गज राइट इसके अलावा कृष्णा देवराय जो कि इन्होंने हजारा राम जो प्लस स्वामी ये दोनों ही किसने बनवाए थे थे। ने कंस्ट्रक्ट कराए थे तेलुगु लिटरेचर के ठीक है जो की थे अष्ट दिग्गज एट इज रॉयल कोर्ट क्लियर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन विच रूलर वर्क अमुक्त माल्यता ठीक है अमुक्त माल्यदा की रचना किस शासक ने की थी तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्ण देवराय राइट कृष्ण देवराय ने अमुक्त माल्यदा जो है इसकी रचना की थी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग महानवमी डिब्बा ठीक है महानवमी डिब्बा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ठीक है तो ये जो महानवमी डिब्बा है ना बेसिकली कुछ नहीं है एक प्लेटफॉर्म है आप समझ सकते हो एक स्टेज जैसा ठीक है जो थोड़ा सा ऊपर से होता है तो वहाँ से क्या करते थे इस पर एक स्टेज था एक प्लेटफॉर्म था जिस पर खड़े होकर जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइट पे सिचुएटेड था जिस पर से आप नीचे क्या परफॉर्मेंस हो रही जैसे कि मार्च हो गया या फिर आ, कोई रिलीजियस परफॉर्मेंस हो रही या कोई रैली वैली निकलती होगी विजयनगर एम्पायर में तो उन चीज़ों को देखने के लिए इस प्लेटफॉर्म को या स्टेज को बनाया गया था तो क्या था ये इट वॉज अ मैसेव प्लेटफॉर्म विच वॉज लोकेटेड ऑन वन ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट इन द सिटी ठीक है एंड क्यों बनाया गया था तो चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए खड़े होके मार्च देखने के लिए रैली देखने के लिए रिलीजियस फेस्टिवल्स अगर सेलिब्रेट किए जा रहे तो उन्हें देखने के लिए परफॉर्मेंसेज देखने के लिए स्पोर्ट्स देखने के लिए गेम्स हो रहे तो वो देखने के लिए ठीक है अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए एक बड़ा सा स्क्वेयर स्टेज एलिवेटेड स्टेज जो कि विजयनगर किंग्स ने बनवाया था क्लियर वो क्या था महानवमी डिब्बा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अमर नायक ठीक है अमर नायक एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था ठीक है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट उससे रिलेटेड सही है तो अमर नायक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है राइट तो अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ तो अमर नायक जो थे ना ये मिलिट्री कमांडर्स थे ठीक है इन लोगों को क्या किया जाता था इन मिलिट्री कमांडर्स को ना कुछ कुछ टेरिटरी दे दी जाती थी जिसे गवर्न इन्हीं लोगों को करना पड़ता था ये जो मिलिट्री कमांडर्स है उनको गवर्न करने के लिए टेरिटरीज दे दी जाती थी उन्हें उस सिस्टम को ये जो सिस्टम है ठीक है जिसमें मिलिट्री कमांडर्स को टेरिटरी दे दे रहे भैया ये टेरिटरी रख और यहां पर तू रूल कर इसे गवर्न कर ठीक है उन्हें अमर नायक सिस्टम कहा जाता है ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी राइट जिसमें अमर नायक क्या है सैन्य कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा शासन करने के लिए क्षेत्र जो है दिए गए थे ठीक है ये क्या है अमर नायक सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन मैच दी फॉलोइंग ठीक है एक साइड विजयनगर एम्पायर की सभी डायनेस्टीज है दूसरी साइड उनके फाउंडर्स ठीक है ठीके? सबसे पहली चीज आई गेस संगम डायनेस्टी का हम सभी जानते हैं क्या है हरिहर एंड बुक्का ठीक है उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि वीर नरसिम्हा याद रखना किसके थे तो तुलुव डायनेस्टी के थे ठीक है तो तुलुव डायनेस्टी के क्या हो गए वीर नरसिम्हा सलू डायनेस्टी के क्या हो गए सलूव नरसिम्हा ठीक है दैट इज ऊपर वाला एंड अराविदु डायनेस्टी के हम सभी को पता है वो कौन है तिरुमल क्लियर तो मेक श्योर sure विजयनगर एम्पायर की जो डायनेस्टीज थी जितनी भी सभी के फाउंडर एटलीस्ट आप लोगों को याद रखने हैं एंड तुलू डायनेस्टी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ कृष्णदेव राय तो उससे जितनी मैं इस लेक्चर में आप लोगों को बता सकती थी कृष्णदेव राय से रिलेटेड चीज़ वो मैं उस स्लाइड पर बताती हूँ आपको ओके सो ये हो गया इसके आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन प्रतिष्ठित कारक ठीक है ये टाइटल किसने अज्यूम करा था ठीक है कारक उपाधि किसके द्वारा ग्रहण की गई है तो वो थे क्लियर इस तो इसके अलावा हरिहर सेकंड के बारे में भी याद रखना हरिहर सेकंड ने कौन सा टाइटल अज्यूम करा था तो उन्होंने महाराजा दीराज टाइटल अज्यूम करा था एंड रूलर्स टू अज्यूम दिस टाइटल क्या महाराजा दी राज नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ड्यूरिंग द रीन ऑफ डैश पॉर्चुग ट्रेवलर डोमेगो पायर्स है केम टू विजयनगर एम्पायर ठीक है डैश के शासनकाल के दौरान पुर्तगाली यात्री डोमेगो पायस जो है वो विजयनगर एम्पायर आए थे मैं अभी स्टार्टिंग में बता दूं कि किसके टाइम पर आए थे या थे कृष्णदेव राय के टाइम पर ठीक है विजयनगर एम्पायर के टाइम अलग अलग बहुत सारे ट्रेवलर्स आए थे सो एक बार ना उन चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं बिकॉज इंपॉर्टेंट हो जाता है देखिए पहली चीज़ एक मोरक्कन ट्रैवलर आए थे अबू रहला ठीक है अबू अब्दुल्ला क्या बोल रहे हो अबू अब्दुल्ला ठीक है ये आए थे हरिहर वन जब विजयनगर के रूलर थे तब आए थे ठीक है निकोलो डी कॉन्टी स्टार्टिंग में देख लिए इटालियन रूलर थे ये देवराय वन के टाइम पर आए थे निकोलो कॉन्टी देवराय वन के टाइम पर आए थे ठीक है रजाक पर्शियन ट्रैवलर थे ये देवराय सेकेंड के टाइम पर आए थे देन थानिस निकितिन ये रशियन ट्रैवलर थे ये विरूपक्ष राय सेकेंड के टाइम पर आए थे देन लुरविको डी वर्थेमा इटालियन ट्रैवलर ये कृष्णदेव राय के टाइम पर आए थे देन दुआर ते बरबोसा पॉर्चुगेल थे कृष्ण देवराय के टाइम कृष्ण देवराय वाले एटलीस्ट सारे याद रख लेना एक तो आप लोगों को याद ही रहेगा पायस क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये ठीक है सो ये कृष्ण देवराय के टाइम पर आए थे उसके अलावा दुआारे बरबोसा है ये भी कृष्ण देवराय के टाइम पर आए थे एंड फरनाउ न्यूनेस जो है ये भी पॉर्चुगल है ये अच्युत देवराय के टाइम पर आए थे ठीक है तो कृष्ण देव राय के टाइम पे तीन आए थे लुडवी सिर्फ लुडवी करके याद कर लेना चलेगा ठीक है ये इटालियन थे दुआर थे बरबोसा बारबोसा याद रहेगा आप लोगों को पोर्चुगल थे एंड डोमिंगो पायस पॉर्चुगल थे ये तो आप लोगों को आई गेस याद ही होना चाहिए क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी अब आ जाते हैं थोड़े से बहमनी एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर सो बहमनी एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश बाय बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो हसन गंगू ठीक है अलाउद्दीन हसन गंगू इन्होंने बहमनी एम्पायर को इस्टबलिश करा था 1347 में क्लियर सो बहमनी एम्पायर के फाउंडर हैं अलाउद्दीन हसन गंगू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बहमनी किंग डिवाइडेड द एम्पायर इन टू ठीक है प्रभावी प्रशासन के लिए बहमनी राजाओं ने अपने साम्राज्य को डैश में विभाजित किया था हम सभी को पता है कि बड़े बड़े एम्पायर्स अगर होते थे तो डायनेस्टीज यूजुअली क्या करती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एम्पायर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती ठीक है सिमिलरली बहमनी किंग्स जो थे उन्होंने उनके एम्पायर को किस में डिवाइड करा था तो उन्होंने उनके एम्पायर को तरफ्स में डिवाइड करा था क्लियर ताकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली किया जा सके ठीक है तो ये बेसिकली प्रोविंस थे जिनको तरफ कहा गया था राइट right? और ये जो तरफ के हेड हुआ करते थे इनको तरफदार या फिर आमिर जो है कहा जाता था क्लियर तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तरफ जो कि प्रोविंस को कहा जाता था नेक्स्ट क्वेश्चन हु अज्यूम द टाइटल अलाउद्दीन हसन शाह बहमान ठीक है अलाउद्दीन हसन शाह बहमन की उपाधि किसने ग्रहण की थी तो वो थे हसन गंगू ठीक है हसन गंगू ने ही इस टाइटल को अज्यूम करा था सो हसन गंगू पता ही है हमें बहमनी किंगडम के फाउंडर हैं ठीक है और uh, कहाँ कैपिटल का, क्या थी तो गुल इनिशली जो uh, बहमनी किंगडम है उसकी कैपिटल गुल गुलबर्ग थी जो कि नदन कर्नाटका में थी इन्होंने अबू ए मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह ये टाइटल अज्यूम करा था इन्हें जाफर खान के नाम से भी जाना जाता है ये भी चीज़ याद रखना दूसरा बहमन किंगडम जो है वो 180 इयर्स तक उन्होंने रूल करा था एंड जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद गवन ठीक है इनके टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ठीक है ये प्राइम मिनिस्टर थे मिनिस्टर थे किसी रूलर के अंडर तो इनके टाइम पर जो बैमनी सल्तनत था वो पीक पर था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वेयर इज गोल गुम्बज सिचुएटेड ठीक है गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है तो गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है तो ये है बीजापुर में ठीक है गोल गुंबज कहाँ पर है बीजापुर में जिसे विस्परिंग गैलरी भी कहा जाता है विस्परिंग गैलरी इसलिए कहा जाता है अगर यहाँ पर आप कोई भी चीज़ धीरे से बोलते हो ना तो वो एक होती है राइट इसलिए इसको विस्परिंग गैलरी भी कहा जाता है क्लियर तो कहाँ पर है याद रखना कहाँ पर सिचुएटेड है तो ये बीजापुर में सिचुएटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन मजलिस ए इथ ठीक है ये किस चीज़ को कहा जाता था बहमनी किंगडम के टाइम पर ठीक है बहमनी साम्राज्य के अधीन मजलिस ए इविथ एक कैबिनेट हुआ करता था ठीक है तो बहमनी किंगडम में कैबिनेट को क्या कहा जाता था मजलिस ए इविथ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ बहमनी किंगडम बिल्ट अ मदरसा एट बीदर ठीक है बहमनी साम्राज्य के किस प्रधानमंत्री ने ठीक है वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बीदर में एक मदरसा जो है बनवाया था यहाँ पर ये पूछा गया है तो वो कौन थे वो थे मोहम्मद गवेन ठीक है जो कि प्राइम मिनिस्टर थे बहमनी किंगडम में उन्होंने एक मदरसा बनवाया था ठीक है कहाँ पर बीदर में नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोट द बुक किताब ए नवरस ठीक है किताब ए नवरस ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो इसे लिखा है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने ठीक है इब्राहिम आदिल सेकेंड ने किताब ए नवरस बुक जो है लिखी है तो ये चीज़ याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन द अर्ली कैपिटल ऑफ बहमनी किंगडम ऑस अभी मैंने आपको बताया बहमनी साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी तो वो थी गुलबर्ग ठीक है स्टार्टिंग में कैपिटल थी गुलबर्ग बाद में इसे शिफ्ट कर दिया था या मूव कर दिया था मोहम्मद मोहम्मदाबाद में जो कि बीदर में था ठीक है वहाँ पर इन्होंने बाद में कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था या मूव कर दिया था तो इनिशियली कैपिटल क्या थी बैमुनी किंगडम की वो थी गुलबर्ग क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव मोहम्मद गवन ही रोट पोएम्स इन पर्शियन लैंग्वेज ठीक है हिज वर्क्स आर ठीक है मोहम्मद गवन ने फारसी भाषा में कविताएं लिखी है उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं तो रियाज़ उ इन्शा ठीक है ये भी मोहम्मद गवन की बुक है एंड मनाजिर उल इन्शा ठीक है ये भी मोहम्मद गवन की ही बुक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ बोथ ए एंड बी क्लियर तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का क्या आंसर हो गया बोथ ए एंड बी ठीक है रियाज़ उल इंशा और मनज़िर इंशा ये दोनों ही बुक्स किसकी हैं मोहम्मद गवन की अब यहाँ पर आप क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है मुझे बता दीजिए कि वो कौन से रूलर थे ठीक है जिसके ये प्र, आ, प्राइम मिनिस्टर थे या एज ए मिनिस्टर ये काम कर रहे थे कौन मोहम्मद गवन क्लियर इसका आंसर आप कहाँ देंगे कमेंट सेक्शन में सो इसके साथ आ जाता है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सल्तनत वाज रूल्ड बाय निज़ाम शाही डायनेस्टी ठीक है वो कौन सा सल्तनत था जिसे निज़ाम शाही डायनेस्टी जो है वॉज रूल्ड बाय निजाम शाही डायनेस्टी ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर आप कहाँ लिखेंगे कमेंट सेक्शन में ओके सो यहाँ आज हमारा लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी, थैंक यू